जांजगीर से बड़ी खबर, आरक्षक पुष्पराज सिंह की मौत का मामला सामने आया है। न्यायिक जांच में 7 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। आज साक्ष्य जमा करने की अंतिम तारीख है। जांच के लिए कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। जांजगीर एसडीएम इसकी पूरी न्यायिक जांच कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, इस पूरे मुद्दे को लेकर मांग उठ रही थी, आरक्षक पुष्पराज सिंह की मौत के मामले में न्यायिक जांच में 7 लोगों के बयान दर्ज हो गए हैं। राजकुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजकुमार, ये कॉन्स्पिरेसी, मर्डर या दुर्घटना, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। न्यायिक जांच किस दिशा में है और क्या तथ्य सामने आ सकते हैं? देखिए तृप्ति, 13 मई को ये रात में घटना हुई थी और उस घटना के बाद परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। इस घटना के बाद 14 मई को एसपी के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए था और इसमें जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान ने जांच शुरू की थी और इसके बाद से 25 मई तक इसमें बयान और साक्ष्य के लिए एसडीएम ने जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही थी और इसके बाद से इस मामले में 7 लोगों का बयान दर्ज हुआ है और आज 25 मई को आज अंतिम तारीख है इसमें साक्ष्य और जानकारी देने को लेकर के एसडीएम ऑफिस में। फिलहाल इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच चल रही है और इसमें एक तथ्य ये भी है कि इसमें जो कॉल डिटेल है आरक्षक के, वो भी निकाले जा रहे हैं ताकि इसमें किन किन लोगों ने बात की है उसका भी खुलासा हो या उसमें कुछ तथ्य निकल कर आए तो इसमें कॉल डिटेल भी निकाले जा रहे हैं। तो अभी इस मामले में जो प्रदेश स्तर से जो जांच होनी थी जिसमें गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे, अभी उसकी जो जांच है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो जिले स्तर पे जो मजिस्ट्रियल जांच है उस पे 7 लोगों का फिलहाल बयान हुआ है। जी तृप्ति, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राजकुमार।